आ गए फिर से जॉब की वीडियो देखने। क्या करते हो? रोज यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना कि जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। और हमारे इस थंबनेल को आपने देखा, क्लिक कर दिया है। यही उम्मीद से किया है ना कि वीडियो देख के जॉब मिल जाएगी। पर भैया, वीडियो देख के जॉब नहीं मिलती है। मैं क्यों झूठ बोलूं? आप यूट्यूब पे कितनी भी वीडियो देख लो, वीडियो देख के तो जॉब नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है भाई। जॉब कैसे मिलेगी, उसका तरीका मैं यहां पे आपको बता सकता हूं, लेकिन देखो, अप्लाई खुद करना पड़ेगा, इंटरव्यू खुद से पास करना पड़ेगा। अब वो तो देखो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को खुद से समझना पड़ेगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे जॉब को लेना है। ये जो चैनल है ना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। और ये चैनल भी मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि YouTube पे बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जॉब की। वहां पर अगर मैं एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करूं या फिर इंग्लिश की बात करूं, तो हाईफाई चाहिए होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी अच्छी कंपनी में अगर आपको जॉब करनी है, तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बी ऑनेस्ट, इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो ही आपको जॉब मिलेगी। या फिर आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब उन लोगों का क्या होगा जिनके पास ना तो बड़ी डिग्री है ना उनको इंग्लिश अच्छी आती है? तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि उन लोगों को जॉब मिलेगी नहीं। मिलेगी, क्योंकि ये जो चैनल है, इस चैनल पे, ये उन लोगों के लिए चैनल स्पेशली बना हुआ है जो 8 पास, 10 पास, 12 पास हैं, और जिनको हिंदी अच्छी तरीके से आती है। आप अगर मेरे चैनल पे जाके वीडियोस भी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर मेरी कोशिश यही होती है कि ज्यादातर जो भी जॉब्स लेके आऊं वो हिंदी से रिलेटेड हो या फिर आपकी 8th, 10th, 12th वालों के लिए हो। अब मुझे पता है कि ऐसी वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आते हैं। आप चेक कीजिए, मेरी वीडियोस में व्यूज ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि आज के टाइम में कोई पूरा मंथ काम करके पैसा नहीं कमाना चाहता। सब चाहते हैं कि बस आज काम करो, 2 घंटे काम करो और 2 घंटे बाद पैसा मिल जाए हाथ में। पर लॉजिकली अगर आप सोचो कि ऐसे काम में आप कितने दिन कमा सकते हो, करियर नहीं बना सकते। करियर बनाने के लिए आपको किसी अच्छी कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। तो अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो 8th पास, 10th पास, 12th पास हैं और जिनको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आती है, यानी कि इंग्लिश अच्छी अच्छी नहीं आती है, तो फिर ये चैनल आप लोगों के लिए है। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पे मैं कोशिश यही करता हूं कि आपके लिए हमेशा इन्हीं चीजों से रिलेटेड जॉब्स लेके आता रहूं। अब यार देखो, जब भी जॉब्स आएगी, उस जॉब्स के लिए बहुत लोग अप्लाई करेंगे, तो पॉसिबल ये नहीं होता कि सबको जॉब मिल जाए। तो आपको पेशेंस तो रखने पड़ेंगे, इसलिए हर दिन नई जॉब्स लेके आता हूं, ताकि हर जगह हर दिन आप अप्लाई जरूर करें। अब क्या पता किसकी किस्मत कहां पे लिखी हो, कौन सी जॉब किसको मिल जाए। इस चैनल के थ्रू बहुत लोगों की जॉब लग चुकी है। कुछ लोग कमेंट्स भी करके मुझे बताते हैं। स्क्रीनशॉट मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहता हूं। अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिए एक स्क्रीनशॉट, यहां पे स्क्रीनशॉट देखिए, इनको भी काम मिल चुका है। तो इस तरह के मेरे पास मैसेज जब भी आते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, जॉब लगती है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो उम्मीद मत खोइए। अगर जॉब नहीं मिलती तो मैं समझ सकता हूँ, गुस्सा आता है। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हम बहुत टाइम से वीडियो देख रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है। टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहली बात तो कोशिश करते रहो, और जो मन में आता है लिखो कमेंट्स में। यार आपका अपना चैनल है, आप मुझसे शेयर नहीं करोगे तो किससे करोगे? मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, हमारे इस क्रिएट गुरन फैमिली का एक हिस्सा हो, तो अपने सुख के साथ दुख भी शेयर आप कर सकते हैं। मैं आपको ऑलवेज सपोर्ट करता रहूंगा। अब बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। अब जो ये वीडियो निकली हुई है, अगर मैं बात करूं तो 100% जेन्युइन है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि ये कंपनी जो है वो इंडिया की, अगर मैं बात करूं एजुकेशन सेक्टर की, तो नंबर 1 कंपनी है ऑनलाइन के अंदर। ये अलग अलग एग्जाम्स में लोगों के हेल्प करती हैं, उनको पास आउट कराने में। अब यहां पर आपका काम कोई एग्जाम देना नहीं है, यहां पर आपका काम जो होने वाला है वो ऐसे कैंडिडेट्स जो इस तरह के एग्जाम्स देना चाहते हैं, वो अगर उन वेबसाइट्स पे आके इनरोल कर रहे हैं या अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको उनकी दिक्कत को सॉल्व करना है, यानी कि उनको गाइड करना है कि किस तरीके से वो इनरोल कर सकते हैं या क्या उनके लिए बेनिफिट होगा। वो चीजें आपको उनको गाइड करनी होती है, आपका काम बस इतना ही है। अब आप ये कहेंगे कि हमें तो नॉलेज नहीं है, हम कैसे गाइड करेंगे? तो
तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको कंपनी पहले ट्रेनिंग देगी, सबको सिखाएगी। चलो मैं आप इसका नाम भी रिवील कर देता हूँ, फिजिक्स वाला आपने जरूर सुना होगा, नंबर वन है इंडिया के अंदर अभी। और ये जो जॉब निकली हुई है वो किस प्लेटफॉर्म पर निकली हुई है, वो निकली हुई है इंटरशाला के प्लेटफॉर्म पर। तो आपको अप्लाई जरूर करना है, कुछ नहीं सोचना कि क्या होगा, हम पास होंगे नहीं होंगे, हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कुछ मत सोचिए, अपनी तरफ से बस अप्लाई करते जाइए। आपका काम है मेहनत करना और रिजल्ट आपकी स्किल्स आपके लक पे डिपेंड करता है। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको उस वेबसाइट का लिंक मिलेगा कैसे आपको अप्लाई करना है, तो बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं बिना देरी के सीधे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे के जाऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता लग जाए, आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें, सबसे पहले अप्लाई करें, तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको वो जॉब सबसे पहले मिल जाए। अब बिना देरी के चलते सीधे लैपटॉप के स्क्रीन पर समझते हैं पूरा प्रोसेस, तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस देखिए, आ चुके हैं आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर, और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिंपली उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये जो जॉब निकली हुई है, ये जो कंपनी है, आपने जरूर सुना होगा, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं और आजकल हर सोशल मीडिया पे इनका नाम है, ये है फिजिक्स वाला। आई होप कि आपने भी सुना होगा। तो अभी ये जॉब निकली हुई है फिजिक्स वाला की तरफ से निकली हुई है, जो कि इंटरशाला के प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रही है। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए ये जो जॉब निकली हुई है अभी एक दिन पहले ही निकली है, तो आपको यहाँ पर देरी नहीं करनी है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट सक्सेस एसोसिएट्स, यहाँ पर इनका एक फिजिक्स वाला की तरफ से ये रोल है, और ये वर्क फ्रॉम होम है, यानी कि आपको घर बैठे बैठे काम करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपका घर पर ही होगा। स्टार्ट डेट यहाँ पे इमीडिएट बेस पे लिखी हुई, यानी कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है आपको तुरंत ज्वाइनिंग करनी होगी। अगर मैं CTC की बात करूँ, देखिए 2 to 2.4 lakhs पर एनुअल, यानी कि 2.5 lakhs तक आपको यहाँ पर हर साल मिल जाता है। अगर मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करता हूँ तो लगभग यहाँ पर आपको 20,000 rupees के आसपास आपको मिल जाएंगे। अप्लाई देखिए कब तक करना है, 11 November 2022 तक की लास्ट डेट है यहाँ पर अप्लाई करने की। और अबाउट फिजिक्स वाला, देखिए अगर फिजिक्स वाला के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स है कि फिजिक्स वाला इज़ एन ऑनलाइन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली में ये बेस्ड है और एक ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है। इट वॉज क्रिएटेड एज अ यूट्यूब चैनल बाय मिस्टर आकाश पांडे। अब ये आकाश पांडे कौन है, आकाश पांडे ऑनर है फिजिक्स वाला के, आपने भी सुना होगा इनके बारे में। तो फिजिक्स वाला जो चैनल है और जो इंस्टीट्यूट है, ये आकाश पांडे जी का ही है। ये 2017 में इन्होंने जो ओपन किया था, तो लगभग अभी यह 5 साल हो चुके हैं। एंड वी आर रैपिडली एक्सपेंडिंग एंड इंटेंडिंग टू मेक ZNEET प्रिपरेशन मोर एसोसिएट एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू द एस्पिरेंट्स, यानी कि ये जो तैयारी करवाते हैं वो जी की कराते हैं, नीट की करवाते हैं, और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पर यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। हायरिंग सिंस मार्च 2021 से देखिए हायरिंग कर रहे हैं, और 158 अपॉर्चुनिटी पोस्टेड हो चुकी है, यानी कि 158 अपॉर्चुनिटीज अलग अलग तरीके की यहाँ पर पोस्ट कर चुके हैं, और 50 कैंडिडेट से ज़्यादा ये हायर भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि आपका यहाँ पर काम क्या होने वाला है, उसके लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है इसकी। एक्ट एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर इनरोल्ड कैंडिडेट्स, यानी कि जब कोई कैंडिडेट यहाँ पर आकाश वालिया, मान लिया कि मुझे जी या नीट करना है, तो मैं यहाँ पर आकाश वालिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाऊँगा और वहाँ पर इनरोल करूँगा। तो आपका काम क्या होगा कि आपको एक्ट करना होगा उस पॉइंट पर जहाँ पर इनरोल्ड होगा, कोई भी कैंडिडेट इनरोल करेगा। क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम दैट विल हेल्प इम्प्रूव कैंडिडेट स्किल्स एंड प्लेसमेंट्स। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कैंडिडेट्स की स्किल्स के हिसाब से कौन सी प्लेसमेंट्स उनके लिए बेस्ट रहेंगी। एक्ट एज अ लाइजन बिटवीन कैंडिडेट्स एंड कंपनी, यानी कि आपको कंपनी और कैंडिडेट्स के बीच में एक मीडिएटर की तरह से एक्ट करना होगा, क्योंकि आप ही होंगे जो कैंडिडेट्स को और कंपनी को आपस में जोड़ के रखेंगे। इंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन एंड फॉलो अप विद द कैंडिडेट्स। अब यहाँ पर आपको जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनकी कम्युनिकेशंस को आपको, यानी कि उनके बीच में अपने कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है, उनसे बातचीत करनी है। अगर उनको ही कोई प्रॉब्लम आती है, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पा रहे या वो चूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपको उनको हेल्प करनी होती है। वर्क क्विकली टू एड्रेस एंड रिसोल्व कैंडिडेट इश्यूज़, यानी कि अगर कैंडिडेट का किसी भी तरह का कोई इश्यू है तो आपको वो पहचानना है और उसे सॉल्व करना होता है।
अब यहाँ पर देखिए अप्लाई कौन कर सकता है। सबसे पहली बात तो शुड हैव कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, आपके पास कोई कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, यानी कि आपने पहले कहीं किसी भी कस्टमर सर्विस में काम किया हो ताकि आपको पता हो कि किस तरीके का काम होता है। स्टार्टअप एक्सपीरियंस प्रीफर्ड, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है पहले का तो आपको प्रीफर्ड मिलेगा, यानी कि पहले आपको मान्यता मिलेगी, लेकिन अगर आप फ्रेश हैं तो भी आप कर सकते हैं। ईडी टेक वर्क एक्सपीरियंस इज ए बोनस, अगर आपको कोई एजुकेशन का वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बोनस होगा। टाइपिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए और आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन टेक की नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, आपको एनालाइज करना आना चाहिए, मल्टीटास्किंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स आपके होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई शिफ्ट यहाँ पे मिल जाएगी तो आप किसी भी टाइम में यहाँ पे काम कर सके, ऐसे आपके फ्लेक्सिबल आवर्स होने चाहिए। डेडिकेशन होना चाहिए और हिंदी एंड इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हिंदी मैंडेटरी है, यानी कि अगर आपको हिंदी आती है तो वो बेनिफिट होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो भी कैंडिडेट ज़्यादातर अप्लाई करते हैं वो हिंदी में ही आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, तो इसका मतलब हिंदी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड क्या है, देखिए एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है और एमएस वर्ड है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आप किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो इसके लिए यूट्यूब पर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपको सिखाती है एमएस वर्ड, तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ से आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो अभी से अभी यार वहाँ पे एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ सैलरी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पर्क्स देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे आपको हेल्थ और लाइफ दोनों तरह के इंश्योरेंस मिलते हैं। अब सिंपली देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस अप्लाई के नाउ के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर आपका, मोबाइल नंबर आपका, करंट लोकेशन कौन सी है, सेकंड लोकेशन अगर आप कहीं रह रहे हैं दिल्ली से तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं, दिल्ली से अगर बाहर आप कहीं रह रहे हैं, मदर टंग आपकी कौन सी है, हिंदी है तो वो लिख लीजिएगा, प्रीफर्ड लैंग्वेज कौन सी है लर्निंग की, इंग्लिश है या मदर टंग है, वो करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फिर आ जाएगा ये पर्सनल डिटेल्स, यानी कि अब यहाँ पर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालनी होंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वालिफिकेशन, उसके बाद एजुकेशन में आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपने कौन सी डिग्री ली हुई है, आपने कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की है तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा आपका एक्सपीरियंस, यानी कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या आपने पहले कभी काम किया हुआ है, अगर एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस डाल देना होगा, अगर नहीं तो आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्किल्स हैं, क्या क्या स्किल्स आपको आती है, एमएस वर्ड, डेटा एंट्री और कॉलिंग बीपीओ, इनकी स्किल्स अगर आपके अंदर है तो वहाँ पे आप उसको मेंशन जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है वर्क सैंपल्स, यानी कि जो भी आपने काम किया होगा उसका एक वर्क सैंपल यहाँ पे आपको अपलोड कर देना होगा, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाइंग टू रिमोट स्टूडेंट सक्सेस एसोसिएट जॉब्स एट फिजिक्स वाला, एम्प्लॉयर विल सी द रिज्यूम व्हेन यू सबमिट एप्लीकेशन। जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक रिज्यूम का ऑप्शन आएगा, तो आपको रिज्यूम यहाँ पे अपलोड जरूर करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब प्रो टिप क्या है, एडिंग सम मोर डिटेल्स इन योर रिज्यूम विल इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको जो रिज्यूम होगा उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स डालनी है ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हों कि आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका रिज्यूम हो वो अप टू डेटेड होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए ताकि जब भी कोई आपके रिज्यूम देखे तो इंप्रेशन उसके ऊपर अच्छा पड़े। तो इस जॉब के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कर अभी से अभी अप्लाई कर दीजिए। अगर इस जॉब से रिलेटेड कोई भी आपको मन में डाउट होता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूँ। थैंक यू गाइस। तो गाइस देखा आपने कैसे मैंने यहाँ पर कोशिश करी कि आपको सारी चीज़ें बता सकूँ, ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको लगता हो कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, कहीं कोई चीज़ मिस आउट हुई है, तो वीडियो आपके पास है, आप वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम, कॉमेंट बॉक्स या फिर मेल भी कर सकते हैं, मैं आपके हर मेल का जवाब जरूर देता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।